दोबारा पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर मार्च निकाला है। प्रदर्शन में हजारों कर्मचारियों ने भाग लिया। पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर पिछले 3 दिनों से प्रदेश भर में धरना चल रहा है। हड़ताल का आज 4th दिन है। इस हड़ताल से प्रदेश के कई विभागों में व्यवस्था चरमरा गई है। इसका खामियाजा कई नागरिकों को भुगतना पड़ता है। हालांकि मांगों को मनाने के लिए हजारों कर्मचारी पुणे में सड़कों पर उतर आए हैं। ये मार्च जिला परिषद के नए भवन से शुरू हुआ है। इस मार्च में बड़ी संख्या में सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है। हर कोई इसमें नारेबाजी कर रहा है, पेंशन हमारा अधिकार है, किसी के बाप का नहीं। और सिर्फ एक मिशन पुरानी पेंशन की घोषणा की गई। पुणे जिले के कुल 68,000 कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया है। जिले में कुल 32 विभाग कर्मचारी कल से हड़ताल पर चले गए हैं। निर्माण विभाग, राजस्व विभाग और कृषि विभाग में कई काम रुके हुए हैं। जहां कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं, वहीं कर्मचारी हड़ताल पर अड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, VSRS न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र।